वे सर्व जन सुखाय की हो रही इस अति विशाल व समुद्री महारैली में यहाँ आजमगढ़, गोरखपुर व बस्ती मंडल एवं डॉक्टर अंबेडकर नगर जिले के पार्टी के लाखों लाखों लोग अपने खुद के छोटे मोटे साधनों से चलकर मुझे सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हालांकि मैं हेलीकॉप्टर से ये देख रही थी कि जितनी भीड़ आपके पंडाल के अंदर है उससे ज्यादा भीड़ पंडाल के बाहर सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि पंडाल में इतनी जगह नहीं है कि जो बाहर लोग इस पंडाल से कई गुना ज्यादा लोग बाहर सड़कों पर खड़े हैं आसपास की सड़कों पर वो इधर आ सके। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं श्री मुलायम सिंह यादव के लिए तो ये मैदान काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। और वैसे भी आज आपकी इस अपार भीड़ के जोश व उत्साह को देखकर मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अब बीजेपी व सपा की अंदरूनी मिली भगत भी यहाँ बीएसपी को किसी भी कीमत पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएगी। और ऐसा हो जाने पर फिर से उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता के लिए यहाँ न्याय व अमन चैन के दिन फिर से वापस आ जाएंगे। और साथ ही यहाँ प्रदेश में हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का सपना फिर जरूर साकार होगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता खासकर यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल के चाल, चरित्र, चेहरा, नीति व नियत को भी काफी अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक अर्थात लगभग 37 वर्षों तक अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ही एक छत्र राज किया है। और अब ये पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। और अपनी इस बुरी स्थिति से थोड़ा उभरने के लिए अब ये कांग्रेस पार्टी खासकर यहाँ पर कास्ट समाज के वोटों के स्वार्थ में इनके गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की भी बात कर रही है, जो ये मात्र एक छलावा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यदि वास्तव में कांग्रेस पार्टी की इन लोगों के प्रति, अपर कास्ट समाज के इनमें से जो गरीब लोग हैं इनके प्रति नियत साफ होती तो फिर ये कार्य केंद्र में इनकी लगभग 54 वर्षों तक अपनी खुद की रही सरकारों में ही काफी समय पहले किया जा चुका होता, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी पिछले कई वर्षों से अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों के साथ साथ यहाँ मुस्लिम
वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार से संसद के अंदर व बाहर भी लगातार आग्रह करती रही है, जिस पर केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार ने व वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी अभी तक इसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और इतना ही नहीं बल्कि इसी स्वार्थ में कांग्रेस पार्टी ने अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज की उस बुजुर्ग महिला को यहाँ प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी ने कि जिसने दिल्ली में अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली को खराब व गंदा करने के लिए यहाँ से रोटी रोजी के लिए दिल्ली में जाकर बसे उत्तर प्रदेश व बिहार के लोगों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार कसूरवार ठहरा दिया था, और साथ ही जिसने दलित विरोधी मानसिकता के चलते अपनी सरकार में वहाँ दलितों के उत्थान के लिए तय किए गए बजट के धन को भी दूसरे मद में ट्रांसफर करवा दिया था। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को यहाँ जल्दी से स्वीकार करने वाली नहीं है। चाहे इसके लिए इस पार्टी के लोग यानी कि कांग्रेस पार्टी के लोग कितनी भी यहाँ नाटकबाजी क्यों ना करते रहें, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ कितनी भी रथ यात्रा निकाल लें, चाहे कितनी भी पद यात्रा कर लें, तो भी उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को जल्दी से स्वीकार करने वाली नहीं है। इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग खासकर यहाँ विकास के नाम पर जो सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग 6 वर्षों तक यहाँ राज किया है, और इस अवधि में इन्होंने विकास व जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान देने की बजाय अधिकांश अपने आरएसएस के एजेंडे पर ही चलकर यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसकी वजह से फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी, और अब केंद्र में भी इसी नक्शे कदम पर बीजेपी की सरकार चल रही है, जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के हर वर्ग वे हर जाति एवं हर धर्म के लोगों के साथ साथ यहाँ गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण के लिए जो अच्छे दिन लाने के वायदे किए थे, वे सपने दिखाए थे, तो अब वे अधिकांश यहाँ बुरे दिनों में ही तब्दील हो गए हैं। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आज से लगभग 2 साल पहले जब पूरे देश में लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, तो लोकसभा आम चुनाव के दौरान तो उत्तर प्रदेश में खासकर भारतीय जनता पार्टी और इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर ये कहा था कि जब केंद्र में बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो बीजेपी के सत्ता में आते ही तो फिर पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर वर्षों से बुरे दिन चल रहे हैं हर मामले में हर स्तर पर, तो वो अच्छे दिन में तब्दील हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने तो लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सन 2014 में जब लोकसभा के आम चुनाव हुए तो तब बीजेपी और इनके पीएम पद के उम्मीदवार ने ये कहा था कि आपके बुरे दिन चले जाएंगे और हर मामले में और हर स्तर पर अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए 2 वर्षों से ज्यादा का समय हो चुका है, 2 वर्षों से ज्यादा का समय हो चुका है,
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पूर्वांचल के लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपको जो लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था, श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो फिर पूरे देश में जो गरीब और कमजोर वर्गों के लोग हैं तो उनको सरकारी राशन सस्ता मिलेगा, ये इन्होंने कहा था आप लोगों को। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, केंद्र की सरकार को बने हुए 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, क्या आपको अपने पूर्वांचल क्षेत्र में आजमगढ़ में क्या गरीबों को या कमजोर वर्गों के लोगों को क्या सरकारी राशन आप लोगों को सस्ता मिल रहा है? मैं समझती हूँ कि नहीं मिल रहा है। आपको गेहूं चावल दाल तेल ये सब महंगा हो गया है, आपको कोई सस्ता नहीं मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कहा था कि पूरे देश में बिजली पानी स्वास्थ्य सेवाएं रसोई गैस आदि सब सस्ती हो जाएगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या बिजली पानी स्वास्थ्य सेवाएं रसोई गैस आदि क्या सस्ती हो गई है? क्या आप लोगों को सस्ती मिल रही है? और इतना ही नहीं, बीजेपी ने ये भी कहा था जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो फिर पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश सहित, फिर पूरे देश के अंदर बिजली 24 घंटे मिलेगी। क्या आपको बिजली 24 घंटे मिल रही है? मैं समझती हूँ नहीं मिल रही है। बीजेपी ने ये भी कहा था, श्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि जिन लोगों के पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं हैं, उनके पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपके पूर्वांचल में क्या एक भी पक्का मकान श्री नरेंद्र मोदी ने या केंद्र की सरकार ने आपको बनाकर दिया है? मैं समझती हूँ कि नहीं दिया है। यहाँ पर पूरे देश में गरीबी और महंगाई को कम करने की बात कही थी, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पूर्वांचल में बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला है? मैं समझती हूँ नहीं मिला है। केंद्र की सरकार ने ये भी कहा था कि जो मजदूर लोग हैं उनकी मजदूरी बढ़ा दी जाएगी, क्या आप लोगों की मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है? इसके अलावा किसानों को ये भी कहा था, जो किसान लोग थे उनको सस्ती सुविधाएं देकर उनकी आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है? और इतना ही नहीं, केंद्र में जब बीजेपी पावर में आई तो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों की जमीन भी छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने की इनकी योजना थी, लेकिन बीएसपी ने उनके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया। इसके अलावा जो हमारे छोटे व्यापारी हैं या मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, आज वो भी दुखी हैं। ऐसे नए नए नियम कानून बना दिए हैं कि व्यापारी लोग जो है तो वो आज वो भी रोटी रोजी के लिए मोहताज हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैं पूर्वांचल के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी और की यहाँ पर रैलियाँ हो रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तो श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि पूर्वांचल में जो कारखाने बंद पड़े हैं उनको कारखानों को शुरू करा दिया जाएगा। मैं गोरखपुर के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि गोरखपुर में वहाँ पर खाद का कारखाना था, लेकिन 2 साल तक सेंटर में जब सरकार को बने हुए 2 साल हो गए, तो 2 साल तक केंद्र की सरकार को वहाँ पर बंद पड़े कारखाने याद नहीं आए, लेकिन जब 2 साल पूरे हो गए और उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जब लगभग 6 महीने का समय रह गया तो उनको फिर बंद पड़े कारखाने याद आए। और खाद का कारखाना गोरखपुर में केवल उसका शिलान्यास किया गया है, लेकिन अभी उसकी शुरुआत नहीं की गई है। गोरखपुर में 2 साल के बाद वहाँ पर उनको एम्स बनाने का याद आया, 2 साल तक उनको याद नहीं आया, जबकि पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को काफी सीटें जिता कर दी थी। यदि बीजेपी की नीयत साफ होती तो जितने जितनी सीटें जिता कर दी थी, यदि उसका आधा भी ये लोग काम कर देते जो उन्होंने वायदा किया था, तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता, खास तौर से पूर्वांचल की जनता बीजेपी को ये मानकर चल देती कि शायद ये काम पूरा कर देंगे। इन्होंने 10% भी काम अपने वायदों के मुताबिक नहीं किया है। अर्थात अब ये केंद्र की भाजपा सरकार
तो उनके हित व कल्याण के लिए कार्य करने की बजाय अधिकांश की अपनी ताकत देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के हित व कल्याण में ही लगाए हुए हैं, जिनके धन व बल की खास वजह से ही इस बार ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आसीन हुई है। और यही मुख्य वजह है कि अब देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का लाखों करोड़ रुपयों का कर्ज बड़ी आसानी से केंद्र की सरकार माफ कर देती है। और इस संबंध में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी बैंकों ने पिछले केवल 3 वर्षों में ही यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों द्वारा लिया गया लगभग 1,14,000 करोड़ भी माफ कर दिया है। जबकि वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए बैंक से 1-2 लाख रुपए जैसी छोटी धनराशि का कर्ज लेने वाले छोटे किसानों व छोटे कारोबारी लोगों को कर्ज वसूली के लिए इतना ज्यादा परेशान किया जाता है कि फिर वे अधिकांश अपनी आत्महत्या करने तक को भी मजबूर हो जाते हैं। और इसके लिए केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार के साथ साथ वर्तमान भाजपा सरकार भी बराबर की कसूरवार व जिम्मेवार है। इसके साथ ही केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा देश में आम जनहित के नाम पर खासकर जनधन व विभिन्न प्रकार की पेंशन एवं बीमा तथा अनेकों जो भी योजनाएं अभी तक शुरू की गई हैं, तो उनसे भी अधिकांश या अप्रत्यक्ष रूप में देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही लाभ मिल रहा है। इसकी भी जानकारी आप लोगों को अच्छी प्रकार से है। इसके साथ ही देश में बनने वाले स्मार्ट सिटी का भी ज्यादातर यहाँ अमीर व धनवान लोग ही फायदा उठाने वाले हैं। इसी प्रकार करोड़ों अरबों की लागत से बन रही बुलेट ट्रेन जो केवल मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद शहर तक ही चलाई जाएगी, तो उसमें भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ लोग ही सफर करने वाले हैं। जबकि इस पर लग रही इतनी धनराशि से देश में गरीब लोगों के लिए यहाँ कई नई और ट्रेनें भी चलाई जा सकती थी। और इतना ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर का भी लाभ करोड़ों गरीबों, नौजवानों, बेरोजगार लोगों आदि को मिलने की बजाय केवल यहाँ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठों को ही मिल रहा है। इस प्रकार से केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनहित व जन कल्याण के मामले में घोर विफलता के साथ साथ देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी व व्यापक भ्रष्टाचार आदि की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने हेतु ऐसे कुछ भी जमीनी ठोस कार्य नहीं किए हैं जिसका विशेष संज्ञान लेकर या आम जनता उसे सराहे व तारीफ करे। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब लोकसभा का आम चुनाव चल रहा था तो श्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने ये भी कहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर ये कहा था, पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर ये कहा था कि पूरे देश में जो गरीब लोग हैं और एक परिवार में मान लीजिए 5 लोग गरीब हैं, तो बीजेपी ने ये कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि अपने देश का जो काला धन विदेशों में जमा है, तो जैसे ही केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो उसे 100 दिनों के अंदर ही वापस लाकर तो देश के हर गरीब परिवार के प्रत्येक गरीब को 15 और 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ क्या आपको एक फूटी कौड़ी भी मिली है? मैं समझती हूँ कि नहीं मिली है। इनका ये खास चुनावी वायदा भी पूरी तरह से खोखला ही साबित हुआ है। और अब तो अपने देश में भी काला धन रखने वाले लोगों को उसे सफेद करने के लिए पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में भी विशेष व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के उजागर होने वाले खासकर ललित मोदी घोटाला, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, विजय माल्या घोटाला,
छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र स्टेट की बीजेपी की सरकार के हुए घोटाले आदि ये सभी साबित करते हैं कि बीजेपी में भी कांग्रेस पार्टी की तरह भ्रष्टाचार की जड़ें काफी ज्यादा गहरी हैं। और इतना ही नहीं बल्कि देश में खासकर दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण इन्हें भारतीय संविधान में आरक्षण वे अन्य और जो भी जरूरी सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर धीरे धीरे निष्प्रभावी वे कम करने तथा इनकी समीक्षा आदि करने की आड़ में खत्म करने का भी पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। और वैसे भी आप लोगों को ये मालूम है कि जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने महत्वपूर्ण मंत्रालयों के ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को दे दिए हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में दलित और पिछड़ों के लिए अभी तक भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में तो आपका आरक्षण इस सरकार में ना के बराबर अब रह जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश में और खासकर भाजपा शासित राज्यों में तो दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति इनकी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते अब इन वर्गों का हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न हो रहा है। और इस मामले में दलित छात्र रोहित बेमूला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड व यहाँ उत्तर प्रदेश का दयाशंकर सिंह कांड आदि इसके खास उदाहरण है। ऐसे हालातों में वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में इन वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा किए जाने से व कुछ मौकों पर कांग्रेस पार्टी की ही तरह दलितों व पिछड़ों के घरों में जाकर उनके साथ ठहरने वे खाना आदि खाने से भी इनके समाज का पिछड़ापन व सामाजिक उत्पीड़न खत्म होने वाला नहीं है। और अब इन वर्गों के लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे अन्याय, अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। और इन सब मामलों में अब ये लोग यानी कि दलित एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोग बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति व हमदर्दी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। अर्थात अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ संविधान में खासकर समानता, बराबरी व आरक्षण आदि की जो भी इन्हें कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उनको अब ये वास्तव में या जीवन में इनको वास्तव में ये लोग जमीनी हकीकत में इनको लागू होते हुए देखना चाहते हैं, जिसमें अभी तक भी इन वर्गों के लोगों को या आजादी के 70 वर्षों के बाद भी कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है। इनके अलावा जहाँ तक देश में मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की अधिकांश मामलों में आए दिन खराब व दयनीय हालत में हो रही स्थिति का सवाल है, तो इस बारे में भी हमारी पार्टी का ये मानना है कि जब से केंद्र में खासकर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ हर स्तर पर पहले से भी कहीं ज्यादा सोतेला रवैया अपनाया जा रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को तो अब इन्होंने ऐसा लगता है कि मानो ताला लगा के रख दिया हो। और इतना ही नहीं बल्कि अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में बने रहते हैं। इसके साथ साथ इस समय पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से भी अब आए दिन इन लोगों के ऊपर यहाँ गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति, हिंदू राष्ट्र बनाने व धर्म परिवर्तन आदि की आड़ में भी काफी ज्यादा इन वर्गों का यानी कि मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है।
इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब यह खासकर मुस्लिम समाज के आम लोगों को भी जो शक की नजरों से देखा जा रहा है, तो ये सब अपने देश हित में ठीक नहीं हो रहा है और इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। इस प्रकार केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार ने अपने अब तक के 2 वर्षों से अधिक हुए कार्यकाल में अपनी इन सब कमियों व विफलताओं की वजह से देश की जनता को काफी ज्यादा निराश किया है और अब इनकी सरकार का ये खास मूल मंत्र अर्थात सबका साथ व सबका विकास की भी ये कही गई बात केवल यहाँ एक हवाई नारा मात्र ही बनकर रह गई है। और इसके अलावा अब तो इस पार्टी की सरकार ने अपने देश के राष्ट्रीय पर्वों तक का भी अधिकतर यहाँ राजनीतिकरण ही कर दिया है। और इस मामले में अभी हाल ही में 15 अगस्त सन 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से दिया गया इनका अपना भाषण है जो पुरानी परंपराओं से हटकर ज्यादातर राजनीति की था। और इतना ही नहीं बल्कि 15 अगस्त को पाकिस्तान के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिए गए अपने भाषण के बाद से अब खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अंदर अंदर लोग ये भी संदेह जाहिर करते हुए हमें सुनाई दे रहे हैं कि देश में खास तौर से जनहित व जन कल्याण के मामले में केंद्र की सरकार के ज्यादातर विफल होने की वजह से अब यहाँ उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने आप को सत्ता से काफी दूर जाते हुए देखकर अब ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपनी सभी कमजोरियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अर्थात ये सरकार यहाँ प्रदेश में चुनाव होने से पहले व चुनाव के दौरान भी खासकर देश में आतंकवाद व कश्मीर के मुद्दे को लेकर युद्ध में भी जा सकती है, ऐसा भी लोगों का मानना है, जिसकी खास वजह से ही अब लोगों को देशभक्ति के जज्बातों से जोड़ने के लिए ही इस बार बीजेपी व केंद्र की सरकार ने अपनी तिरंगा यात्रा भी शुरू करवाई थी। इसकी भी लोगों में आम चर्चा है। लेकिन ऐसे हालातों में बीजेपी व केंद्र सरकार की इन सब कमियों व विफलताओं को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की जनता को अपना वोट कतई भी इस पार्टी को अर्थात भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। इसके साथ ही इस भारतीय जनता पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी लेकर मेरा ये कहना है, जब केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की भी कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले अपने उत्तर प्रदेश की अब वर्तमान में ऑक्सीजन पर चल रही अति खराब वे दिल्ली कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है। इन सब बातों की तरफ भी उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर गंभीरता से सोच विचार करके तब फिर अपने वोटों को सही पार्टी को ही देना होगा, अर्थात आपकी सही पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी को ही देना होगा, वरना फिर अपना उत्तर प्रदेश हमेशा या यहाँ अपराध प्रदेश ही बना रहेगा, जिसे प्रदेश व जनहित में यहाँ की जनता को इसे बनने से जरूर रोकना होगा। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में वर्तमान सपा सरकार की शुरू से चल रही गलत नीतियों व गलत कार्य शैली का सवाल है, तो इस बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि वैसे तो सपा की सरकार खासकर यहाँ प्रदेश में अपराध व अराजकता के लिए आम जानी जाती है, परंतु इस बार सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाने की वजह से शुरू से यह पूरे प्रदेश में खासकर यहाँ गुंडों बदमाशों माफियाओं भ्रष्टाचारियों अराजक अपराधिक व सांप्रदायिक तत्वों के मनोबल यह काफी ज्यादा आसमान तक पहुँचे हुए हैं, जिस कारण प्रदेश में चोरी डकैती हत्या लूटमार फिरौती
अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स एवं सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। और इस मामले में खासकर मुजफ्फरनगर कांड, दादरी कांड, मथुरा व बुलंदसर कांड को तो कदापि नहीं बुलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ उत्तर प्रदेश के लगभग 22 करोड़ जनता का न्याय व अमन चैन के साथ जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। और अब इस समय पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है, और खासकर प्रदेश में हमारी महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और अब यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन किसी भी जिले में हमारी बहन बेटी की आबरू ना लूटती हो। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, हर जिले के अंदर किसी ना किसी बहन बेटी की आबरू जरूर लूटती है। अर्थात अब महिलाओं का तो प्रदेश में बहुत बुरा हाल है। इसके साथ ही यहाँ आए दिन हर प्रकार के अपराध काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश में अब यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज नहीं बल्कि पूर्ण रूप से अराजक व आपराधिक तत्वों का ही जंगल राज चल रहा है, जिसका अब यहाँ विकास के कार्यों पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। और इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान सपा सरकार में विकास के अभी तक जो भी थोड़े बहुत कार्य हुए हैं तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े व महत्वपूर्ण कार्यों की बीएसपी की सरकार में ही शुरुआत कर दी गई थी। और इस मामले में खासकर लखनऊ की मेट्रो रेल परियोजना एवं आपके एक्सप्रेसवे परियोजना जो पूर्वांचल तक आनी थी ये प्रमुख है। जो ये दोनों परियोजनाएं सन 2008 में ही बीएसपी की सरकार द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन अब यह खास ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे हालातों में भी केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार का भी खामोश बने रहना तो ये सब सपा व बीजेपी की विफलताओं व अंदरूनी मिली भगत को इस साफ तौर से दर्शाता है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता को प्रदेश व जनहित एवं जन कल्याण के लिए यहाँ सपा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में जनहित व जन कल्याण की अर्थात बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की ही यहाँ सरकार बनानी होगी। और वैसे तो आप लोग जानते हैं कि बीएसपी का सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का ये एक नारा मात्र ही नहीं है बल्कि ये हमारी पार्टी की मूल नीति व सिद्धांत भी है, जिसके आधार पर चलकर हमने अपनी पार्टी का संगठन ही नहीं बल्कि यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी कई बार सरकार भी चलाकर दिखाई है। इसके साथ ही इसी नीति व सिद्धांत के आधार पर चलकर ही हमारी पार्टी ने अपने चारों शासनकाल में यहाँ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों के साथ साथ खासकर यहाँ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के साथ ही अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों के हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। अर्थात अब बीएसपी में बहुजन समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज का हित निहित है, लेकिन ये सब विरोधी पार्टियों के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अब ये लोग बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इसके विरोध में किस्म किस्म के घिनौने षड्यंत्र रच रहे हैं। वे अनेकों घिनौने हथकंडे भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे प्रदेश की जनता को खासकर यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने तक जरूर सावधान रहना है। और इस संबंध में कुछ खास बातों की तरफ ध्यान दिलाने के साथ साथ पहले मैं बीएसपी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशनरी मूवमेंट भी है, जिनके कार्यकर्ताओं व उनके समाज को बीएसपी के
मिशनरी मूवमेंट से जोड़कर उन्हें फिर इस प्रकार से न बिकने वाला समाज के रूप में तैयार किया जाता है। यदि किसी भी समाज का पार्टी से जुड़ा बड़े से बड़े नेता भी अपने व्यक्तिगत व पारिवारिक स्वार्थ में किसी भी विरोधी पार्टी के हाथों में चला जाता है तो फिर वह व्यक्ति अधिकांश अकेला ही जाता है, किंतु उसके साथ में उसका अपना खुद का समाज नहीं जाता है। और फिर उसका समाज उसके स्थान पर अपना नया नेता तैयार करके पार्टी को आगे बढ़ाता चला जाता है। और इस बात के माननीय श्री कांशीराम जी के जीते जी वे उनके देहांत के बाद भी ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। और इसका उत्तर प्रदेश से जुड़ा ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में यहाँ कुछ पारिवारिक स्वार्थी वे अन्य बिकाऊ लोग जो बीएसपी को छोड़कर गए हैं या निकाल लिए गए हैं, तो अब वे लोग विरोधी पार्टियों से अपने टिकट लेने के स्वार्थ में उन्हें खुश करने के लिए आए दिन यहाँ बीएसपी के ऊपर खासकर टिकट बेचने का गलत व झूठा आरोप लगाते रहते हैं। हालांकि इस बारे में आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस किस्म के लोग अकेले हमारी पार्टी में ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों में भी जरूर देखने के लिए मिलेंगे, किंतु मीडिया में तो इसके प्रचार व प्रसार के मामले में फर्क केवल इतना ही होता है कि मीडिया के लोग दूसरी पार्टियों से जुड़े ऐसे आरोपों को ज्यादातर एक या दो दिन की खबरों में चलाकर उसे दरकिनार व ठंडा कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया में कुछ दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग खासकर बीएसपी के मामले में अपना धोरा मापदंड अपनाते हुए इस किस्म की खबरों को अधिकांश या चुनाव होने तक दिखाते रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि टिकट न मिलने की स्थिति में जब विरोधी पार्टियों के लोग अपने नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगाते हैं तो तब फिर ये लोग अपने ऊपर लगे इन आरोपों को पूर्ण रूप से गलत व झूठा बताते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यही विरोधी लोग बीएसपी के ऊपर लगे इस किस्म के गलत व झूठे आरोपों को सही ठहराते हैं, तो इससे भी विरोधी पार्टियों की बीएसपी के प्रति ये दोहरी मानसिकता साफ नजर आती है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ समय से एक तरफ तो विरोधी पार्टियों के लोग जानबूझ के षड्यंत्र के तहत खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी के बारे में इस बात का ये काफी गलत प्रचार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हालत ठीक नहीं है, बीएसपी में भगदड़ मची हुई है, लोग आए दिन एक एक करके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा विरोधी पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यही लोग बीएसपी के बारे में ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी के टिकट बेचे जा रहे हैं और एक एक सीट पर टिकट देने के लिए कई कई करोड़ रुपए भी लिए जा रहे हैं, जबकि इसमें कतई भी सच्चाई नहीं है। किंतु फिर भी इस संबंध में यहाँ मैं विरोधी पार्टियों से ये बात जरूर पूछना चाहती हूँ, जब विरोधी पार्टियों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हालत ठीक नहीं है, बीएसपी में भगदड़ मची हुई है, लोग आए दिन एक एक करके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो तब फिर यहाँ बीएसपी की ऐसी खराब व बुरी हालत में इस पार्टी का भला फिर कौन टिकट खरीद सकता है? आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। शायद इसका जवाब ये लोग कदापि नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी इनके इस विरोधाभास कथन से ये बात तो यहाँ जरूर स्पष्ट हो जाती है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में सभी विरोधी पार्टियों को काफी पीछे छोड़कर या काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और यही मुख्य वजह है कि अब विरोधी पार्टियों के लोग जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी के ऊपर आए दिन इस किस्म के गलत व झूठे आरोप लगाते रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि विरोधी पार्टियों में से खासकर यहाँ प्रदेश में बीजेपी की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब ये पार्टी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है कि अब ये पार्टी बीएसपी के रिजेक्टेड माल को भी बिना कोई जांच पड़ताल के उन्हें बहुत आसानी से लेने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही
उनके गले में अपनी वफादारी का पट्टा भी अब इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह खुद पहनाते हैं, किसको जो बीएसपी का रिजेक्टेड माल है। इससे आप लोग यहाँ प्रदेश में बीजेपी के आए दिन हो रही दयनीय हालत का भी काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे हालातों में अब बीएसपी के मुख्य दलित बेस वोट में भी सेंध लगाने के लिए यहाँ प्रदेश में खासकर बीजेपी के लोग धर्म की आड़ में भी काफी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, जिसमें इनको अभी तक भी कोई सफलता नहीं मिली है। और इस बारे में वैसे हमारी पार्टी के लोगों को ये मालूम है कि केंद्र में पहले वर्तमान भाजपा सरकार ने अपने आरएसएस व अन्य सभी कट्टरवादी संगठनों के जरिए या खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हिंदू हिंदू कहकर इन्हें अपने साथ में जोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की है, लेकिन इन वर्गों के प्रति इनकी हीन व जातिवादी एवं दोगली मानसिकता होने की वजह से जब इन्हें अपने इस कार्य में सफलता नहीं मिली तो तब फिर इन्होंने इन वर्गों के लोगों को बौद्ध धर्म की आड़ में भी पर्दे के पीछे से रहकर बीजेपी के साथ में जोड़ने की भी पूरी पूरी कोशिश की है।